पे एक पोएम दी गई है, द पेडलिंग पुल। तो मैं यहाँ पे पहले पोएम पढ़ लेती हूँ। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पेडलिंग पुल, द ग्रास इन द ग्रीन एंड द वॉटर कूल एंड वी स्टे टू प्ले बाय द पेडलिंग पुल। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, यानी कि देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, यानी कि रास्ते में क्या आता है, उसके बारे में हमें इस पोएम में पढ़ना है। तो यहाँ पे इस पोएम में हमें बताया गया है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके जाते वक्त रास्ते में एक नदी पड़ती है, नदी यानी कि रिवर। तो नदी को हम रिवर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे स्कूल जाते हुए रास्ते में एक नदी पड़ती है, हम उसके पास से निकलते हैं और वहाँ पे एक पुल भी है, उसके उस पुल के आसपास हरे हरे रंग के ग्रास भी है, यानी कि ग्रास जो उगे होते हैं वो। फिर वाटर, वाटर यानी कि पानी। तो जो वो रिवर में पानी होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, और वो कहते हैं हम वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, वहाँ पर खेलते भी है, और उसके बाद हम फिर से पोएम का रिपीट करेंगे। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, यानी कि फिर से वो गाते गाते वक्त स्कूल जाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है लेट्स राइट, फाइंड इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में हमें वर्ड दिए हैं वो हमें ब्लैंक्स में पुट करने हैं। तो बोट्स, तो बोट्स में क्या आएगा, सेल, यानी कि बोट है वो रिवर में तरती है। फिर लिखा है डॉग, तो क्या आएगा, ब्रेक। फिर लिखा है चिल्ड्रन, तो क्या आएगा, प्ले, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो खेलते हैं। बेल यानी कि रिंग, तो बेल बजता है। बर्ड्स यानी कि सिंग, तो बर्ड्स है वो गाते हैं। फिर लिखा है राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक यू कैन बिगिन विथ संडे, यानी कि एक वीक में कौन सा दिन आता है वो हमें संडे टू सैटरडे से लिखना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फिर लिखा है हल्दी रॉट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे, हल्दी सी मेड वन मिस्टेक, व्हाट वाज इट, यानी कि जो हल्दी नाम लिखा है उसमें क्या मिस्टेक है। तो आपको तो पता ही होगा कि जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में। तो यहाँ पे जो स्मॉल में लिखा है ना, स्मॉल एच, स्मॉल ए, स्मॉल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल आई, तो हमें नीचे लिखा है राइट हर नेम करेक्टली, यानी कि जो हल्दी नेम है वो हमें करेक्टली लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल एच, स्मॉल ए, स्मॉल एल, स्मॉल डी, स्मॉल आई। फिर लिखा है हल्दी राइट आई मीट अ जिराफ, सी मेड टू मिस्टेक, व्हाट आर दे, राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली। तो हमें यहाँ पे आगे जैसे लिखा कि कैपिटल एच, फिर स्मॉल ए, स्मॉल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल आई, तो हमें यहाँ पे नीचे जो आई है हल्दी नेम में वो हमें कैपिटल में लिखना है। फिर करेक्ट करके हमें नीचे लिखना है कैपिटल एच, स्मॉल ए, स्मॉल एल, स्मॉल डी, कैपिटल आई। फिर लिखा है लेट्स गो रेडी फॉर स्कूल, यानी कि आप स्कूल जाते हो तो क्या करते हो पहले, तो लिखा है व्हाट डू यू बिफोर गोइंग टू स्कूल, पुट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, यानी कि आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हो। तो अगर यस है तो वाई लिखना है और अगर नो है तो एन लिखना है। तो पहले देखिए, तो फर्स्ट पिक्चर में लिखा हैव अ बाथ, यानी कि आप स्कूल जाते हो तो आप पहले नहाते हो, तो क्या आएगा, यस। फिर लिखा है पिक्चर में क्लाइंब अ ट्री, यानी कि आप स्कूल जाते हो तो क्या आप क्लाइंब यानी कि पेड़ पे चढ़ते हो, तो नो। फिर देखिए यहाँ पे एक लड़का है वो खेल रहा है, प्ले इन द पार्क, यानी कि आप स्कूल जाते हो तो क्या आप पहले पार्क में खेलते हो स्कूल जाने से पहले, तो अगर आप खेलते हो तो यस लिखना है और नो नहीं जाते तो नो लिखना है। तो यूजुअली हम खेल के स्कूल नहीं जाते।
तो क्या आएगा नो। फिर लिखा है कॉम बाय योर हेयर, तो यानी कि आप स्कूल जाते हो तो उससे पहले आप अपने बाल बनाते हो, तो क्या आएगा यस। फिर लिखा है फीड द बर्ड्स, यानी कि आप स्कूल जाते हो तो उससे पहले कि आप चिट्टियों को खाना खिलाते हो, तो अगर आप खिलाते हो तो यस लिखना है और नहीं खिलाते हो तो नो लिखना है। फिर देखिए पिक्चर में लिखा है हेल्प टू मिल्क अ काउ, यानी कि आप क्या स्कूल जाने से पहले काउ को खाना खिलाते हो यानी कि दूध निकालते हो, तो यस, तो यस लिखना है, नो तो नो, यानी कि आप यूजुअली तो नहीं करते होंगे तो हम क्या लिखेंगे नो। फिर लिखा है फाइंड इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर, तो मैं बता दूँ बिफोर यानी कि पहले और आफ्टर यानी कि बाद में। तो फर्स्ट सेंटेंस है ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स, यानी कि आप खाना खाते हो तो आप उससे पहले हैंड वॉश करते हो, तो क्या आएगा बिफोर। फिर लिखा है रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास, तो यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ उस तब मैं क्लास में बैठता हूँ, तो क्या आएगा आफ्टर, यानी कि मैं स्कूल में जाने के बाद क्लास में बैठता हूँ, तो क्या आएगा आफ्टर। फिर लिखा है ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, तो आप खाना खाते हो तो उसके बाद अपना मुंह धोते हो, तो क्या आएगा यानी कि क्या आएगा आप पहले अपना माउथ वॉश करते हो, तो क्या आएगा बिफोर। फिर लिखा है रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, तो यहाँ पे लिखा है कि आप घर जाते हो उसके बाद होमवर्क करते हो, तो क्या आएगा आफ्टर। फिर लिखा है लेट्स सिंग, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक बेल्स की जो कैसी आवाज़ होती है वो यहाँ पे लिखी है लेट्स सिंग, यानी कि हमें गाना है, तो बेल्स है डिंग डोंग डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग डिंग डोंग डिंग डोंग, इट्स अ होलीडे डिंग डोंग डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर सिंगिंग डिंग डोंग डिंग डोंग, लेट्स गो आउट एंड प्ले, यानी कि बेल कैसे बजती है डिंग डोंग डिंग डोंग, फिर होलीडे होती है तो अब भी कैसे बजती है डिंग डोंग डिंग डोंग, फिर जब छुट्टी होती है तब खेलने जाते हो तो कैसे बजती है डिंग डोंग डिंग डोंग। फिर लिखा है फन टाइम व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल, तो आपको बताना है कि आपकी स्कूल में बेल की आवाज़ कैसी होती है। फिर लिखा है कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल दैट यू हैव हर्ड, यानी कि आपने क्या डिफरेंट डिफरेंट बेल की आवाज़ें सुनी हैं, तो फिर आपको उसमें बताना है। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड ट्राई एंड द साउंड ऑफ अ, यानी कि देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर दिखाई दे रहे हैं उसकी आवाज़ें कैसी होती है वो हमें लिखना है, तो मैं बताती हूँ फोन बेल की आवाज़ कैसी है ट्रिंग ट्रिंग, फिर डोल बेल की आवाज़ कहती है कैसी होती है डिंग डोंग, फिर काउ बेल की आवाज़ कैसी है कैसी होती है ट्यून ट्यून, फिर हॉर्स बेल की आवाज़ कैसी होती है तबड़िक तबड़िक, तो यानी कि आप कैसे लिखते हो छुक छुक जैसी, फिर है बस बेल की आवाज़ कैसी होती है पाव पाव। फिर लिखा है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन द पिक्चर, तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है उसका फर्स्ट लेटर हमें नीचे बॉक्स में लिखना है, तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स की फर्स्ट लेटर क्या आएगा जी, तो नीचे देखिए बॉक्स में मैंने लिखा है जी। फिर दूसरी पिक्चर है इग्लू, तो उसकी पहला वर्ड यानी कि वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या आएगा आई, तो देखिए मैंने बॉक्स में आई लिखा है। फिर तीसरी पिक्चर किसकी है रैबिट यानी कि छछुंदर, तो रैबिट का फर्स्ट लेटर क्या है आर, तो देखिए मैंने नीचे बॉक्स में लिखा है। फिर है एप्पल की पिक्चर, तो एप्पल में फर्स्ट लेटर क्या आएगा ए, तो देखिए मैंने नीचे बॉक्स में ए लिखा है। फिर है फ्रॉग, तो फ्रॉग का फर्स्ट लेटर क्या आएगा एफ, तो नीचे मैंने एफ का बॉक्स में एफ लिखा है। फिर है फिश की पिक्चर, तो फिश में फर्स्ट लेटर क्या होता है एफ, तो नीचे देखिए मैंने बॉक्स में एफ लिखा है। तो आप ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर के फर्स्ट लेटर भी बॉक्स में लिखने होंगे, यानी कि जब भी एग्जाम में आएंगे तब आपको ऐसा ही लिखना होगा। फिर लिखा है व्हाट हैव यू स्पेल्ड, यानी कि आपको ये पिक्चर क्या है
जिराफ की, तो नीचे क्या लिखा है? जिराफ। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।